पर गाइस आप लोग देख ही सकते हो मैं यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ झाड़ का भी, और नया नया प्लांट्स देख सकते हो यहाँ, नींबू सारा नींबू कैसा हुआ है। ये बारिश के जब बारिश में था ना सारा सूख गया था, अभी तो फिर से आ चुका है, तो यहाँ थोड़ा काम था वो कर रहा हूँ। तो आज का ये ब्लॉग नहीं, आज का ये वीडियो, ये तो मैं वीडियो इंस्पायर्ड हुआ हूँ मनोज देव ब्लॉग से, उनका कल ही वीडियो आया था यूट्यूब पर, एक दिन हो गया, और टाइटल था द पावर ऑफ यूट्यूब। तो मेरा भी सेम है द पावर ऑफ यूट्यूब। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मतलब है कि यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के बारे में मेरा ये एक साल का जर्नी, और मुझे यूट्यूब ने यहाँ तक ला के पहुँचाया कि मैं आपको बोल भी नहीं सकता हूँ। ये ज़मीन या वो घर देख सकते हो आप लोग, इतना बड़ा घर है, सब कुछ हो तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। और गाड़ी भी लिया हूँ यूट्यूब के थ्रू, सब यूट्यूब के थ्रू यार, ये जितनी ज़मीन देख रहे हो ये सब यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब का। तो चलो भाई लोग, सब लोग रियलिटी में आते हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब मेरे सिर्फ आप लोगों को थोड़ा हंसी मजाक ला लूँ। तो मैंने जब ये मनोज देव का वीडियो देखा था, वो यूट्यूब पावर, द यूट्यूब पावर, तो मैं आप सभी को बताता हूँ मेरा यूट्यूब का पावर, मेरा क्या हुआ यूट्यूब का हालत से। एक साल मैंने यूट्यूब में, लगभग एक ढाई साल हो गया, ढाई साल लगा लो, ढाई साल से भी ऊपर है लेकिन ढाई साल लगा लो आप लोग, ढाई साल हो गया मैंने यूट्यूब में, मैं यूट्यूब वीडियो बनाते आ रहा हूँ। मेरा लगभग अभी 100 से भी ऊपर वीडियो चला गया है, 150 से भी कुछ तो है, ऐसे ही कुछ वीडियो है मेरा। तो यार गाइस, मैंने यूट्यूब में एक साल लगा दिया था, आपको भी पता है, जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है मेरा एक साल हो चुका है यूट्यूब में, और ये एक साल में मैंने कुछ भी नहीं उखाड़ा हूँ, जहाँ हूँ वहीं हूँ। और ऊपर से मुझे गाली सुने घर में मम्मी डैडी से, क्या कर रहा है, ज़िंदगी बेकार है, और बेकार क्यों कर रहा है, मतलब ज़िंदगी तो बेकार ही है, उनको भी पता है मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अभी तो मैंने एडमिशन भी किया हूँ एक कॉलेज में, पता नहीं कौन सा कॉलेज है, आप लोग भी देख ही लेना जब मेरा कॉलेज स्टार्ट होगा, मुझे भी कुछ पता नहीं वो कॉलेज के बारे में, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं पढ़ने वाला हूँ या नहीं पढ़ने वाला हूँ, या कॉलेज से मुझे निकालेंगे क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। तो मेरा यूट्यूब जर्नी यही था यार गाइस, एक साल लगा दिया था यूट्यूब पर, ना कुछ पाया ना कुछ, सिर्फ खोया एकला हूँ अपना मोबाइल में, जो मैंने यूट्यूब में जो आप वीडियोस देख रहे हो ये मोबाइल के थ्रू, ये मोबाइल मेरा 40,000 भी खो दिया यूट्यूब में, कुछ ना पाया, कुछ नहीं पाया, कुछ भी नहीं, ऊपर सिर्फ गाली एकला सुन रहा हूँ। और उस जो मनोज देव, उनका हाँ उनका तो मेहनत बहुत है, उन लोग रेगुलर पुराना यार, तो अभी कैसा बताया यूट्यूब कैसा चलता लगता है मुझे ना, जहाँ अभी तो रेगुलर है, और अभी तो यूट्यूब में आज जो चल रहा है ना, कि आज डेट कितना है, 1 जुलाई, तो आज तो ना हज़ारों चैनल, लाखों चैनल यूट्यूब में आए होंगे, अभी क्रिएट किए होंगे नए चैनल उनका, तो अभी उनमें से ना 99% तो फेल, समझो 99 तो फेल, कोई लोग छोड़ देंगे पर्सनल रीजन से या किसी से होएगा नहीं, और सिर्फ 1% या आधा चांसेस है यूट्यूब में सक्सेस पाना, इतना हार्ड है यूट्यूब। मुझे लगता है कि ये यूट्यूब खुद ही बंद कर दिया यार यूट्यूब क्रिएटर को ग्रो होने में, मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है यार, मैं जितना एक साल से मैंने मेरा एक्सपीरियंस है यूट्यूब का, कुछ पता नहीं यार गाइस क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने व्यू, मेरा व्यू भी देख सकते हो आप लोग, सिर्फ 40-50 आता है, और मेरा 1,000 सब्सक्राइबर है। मनोज देव का भी काफ़ी वीडियो देखता हूँ और मोटिवेशन भी पाता हूँ, लिए नहीं कि मैं मनोज देव का ऐसा रोस्ट कर रहा हूँ कुछ भी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा मतलब नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा वीडियो, कोई नए व्यूवर्स देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब जर्नी कैसा है मैं उनको बता रहा हूँ यार, काफ़ी हार्ड है यार, बहुत हार्ड है यूट्यूब तो, मैं तो यार रोज आता हूँ यार डिप्रेशन में, रात को सोते सोते रोज आता हूँ, मैं सोचता हूँ मैंने इतना मेहनत किया मेरा क्यों नहीं बढ़ा, सोचा था मैंने टारगेट मेरा एक साल में एक वो 100K करूँगा, एक साल में 1,000 किया हूँ। तो यार गाइस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग भी मेरा जैसा टाइम वेस्ट मत करो, किसी को लगता है कि हाँ मैं यूट्यूब करूँगा उतना कुछ पाऊँगा, बाकी लोग जैसे जो बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने यूट्यूब से ये सब पाया हूँ, ये किया हूँ, वो सब बड़े यार, उनके तो पहले से सब्सक्राइबर बेस है, उनके तो लाखों मिलियन में सब्सक्राइबर है, उनको तो कौन सा भी वीडियो डालो उन लोग वायरल चले जाएंगे, हमारा जैसा अभी हम लोग नए कर रहे हैं, हम नए क्रिएटर हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला ऐसा, आप लोग फोकट का मेरे जैसे एक साल गैप नहीं लेना पढ़ाई में, मैंने तो पढ़ाई में गैप ही लिया था, आपको भी पता है एक साल मैंने ले चुका हूँ, मेरा पूरा बेकार चल गया यार, इतना डांट पाया हूँ मेरे घर में सोच भी नहीं पाओगे, उस तो मैं सिर्फ चुका मैं तो वो सिर्फ मैं दुख मेरे दुख मेरे दिल में ही छुपाता हूँ, आप लोग को नहीं बोलता हूँ, इतना दुख होता है मुझे। तो यही है गाइस, पढ़ाई कर, अब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ये नहीं सोचना कि हाँ मैं एक साल गैप लूँगा, मैंने एक साल में यूट्यूब में लगा दूंगा, अगले साल में फिर से पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं करना,
पढ़ाई में मन लगा तो आप YouTube तो आप बाद में भी कर सकते हो बड़े होने के बाद, अगर आपको मन ही है YouTube में इतना तो। अगर मेरा ये मनोज देव तक वीडियो पहुंचा, ऐसे मैं बोल रहा हूं, मुझे भी पता नहीं पहुंचेगा, अगर पहुंचा तो ना मैं उनसे एक ही सवाल करूंगा, मेरा YouTube मेरे में क्या कमी है। मतलब मैं वो मनोज देव गोवा में भी आए थे और मनोज देव ने मैं उनसे मिलने का काफ़ी ट्राई किया, लेकिन एक दिन लेट हो गया यार उनसे मिलते मिलते, वो तो चले गए अपने गाँव में फिर से। तो यही है गाइस यार, YouTube काफ़ी हार है, मेरे से नहीं हो रहा और मेरा व्यूज़ भी जितना कम आता है उससे तो मुझे और दुख मिल जाता है यार, इतना ट्राई किया हूँ यार, एक फ़ैन बेस नहीं हो रहा है मेरा। तो मुझे भी पता है यार गाइस, आप लोगों को मैं कुछ नहीं दिखा सकता हूँ बाहर का अभी तो। मैं अभी तो मैं बाहर जाऊँगा क्योंकि मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला, तो वीडियो भी बाहर का ही होगा, ये जंगल का नहीं होगा कि मैं तो जंगल में रुकता हूँ, मैं जंगली इंसान हूँ, ये जंगल में आपको मैं कितना बार दिखाऊँ यार। और कंटेंट बाहर जाने भी मैं वैसा नहीं निकाल सकता हूँ, बाज़ार में जाना, वहाँ शेयरों को निकालना, वो सब नहीं यार, जितना मुझे आता है जितना मेरे से होता है मैं यही दिखाता हूँ। और किसको भी आपको पसंद आया तो देखते हैं, नहीं तो ऐसे ऊपर स्क्रॉल डाउन बाकी लोग के वीडियो। तो मेरे में भी कमज़ोरी है गाइस, मैं उससे कर नहीं पाता हूँ, मेरा नेचर ही है ये। मतलब मैं जंगल में रहता हूँ, यहाँ बचपन से रहते आया हूँ, 20 साल हो गए, और मैं बाज़ार में अब तक भी मैं उस वैसा वीडियो नहीं निकाला हूँ शहरों में जाके बाकी लोग के जैसे, शायद मेरा कमज़ोर भी हो, मुझे क्या मुझे होता नहीं है वैसा वीडियो निकालने, बाज़ार में जाने वैसा लोगों के सामने निकालना। फिलहाल तो मैंने अभी तो इस कॉलेज में भी एडमिशन कर चुका हूँ और मेरा 24 से कॉलेज स्टार्ट होने वाला है यही महीना जुलाई 24, तो कॉलेज में भी दिखाऊंगा वहाँ का नेचर कैसा होता है कॉलेज का। मुझे तो ये मेरा कॉलेज फर्स्ट ईयर, 21 साल का पढ़ाई है मेरा, वही करूँगा, वही करके काम भी है, सिंपल लाइफ सिंपल ही है, जैसा मैंने YouTube के बारे में सोचा था, हाँ मैं ये करूँगा, ऐसा होगा यार, एक साल में मैं वहाँ पहुँचूँगा, यहीं हूँ जाऊँ, यहीं हूँ जंगल में। सो हाँ गाइस, आज का वीडियो यही था, जैसा मनोज देव बता रहा था वैसा करो यार, आपका मर्जी है तो, लेकिन उतना टाइम वेस्ट मत करो, एक साल गैप लेके पढ़ाई ब्रेक, पढ़ाई छोड़ दो YouTube में, ऐसा मत करो, दोनों को कंटिन्यू करो अगर आपसे हो सके तो, नहीं तो पढ़ाई को तो ब्रेक ही मत लो। तो यार गाइस, आज का वीडियो यही था, अगर किसी को पसंद आया या पसंद आया लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी कर देना किसी को पसंद नहीं आया तो, लेकिन मैंने जो बताना था मुझे मैंने आपको बता दिया। मैं बाकी लोग को, मतलब जो अपकमिंग यूट्यूबर्स है मेरे देखे या कोई मेरे देखे वीडियो को यूट्यूब करना चाहते हैं आगे, तो मैं अभी उनको बता रहा हूँ ऐसा ऐसा आगे आपको भी हो सकता है आपके।